हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। देखिए जो डेट है वो चेंज करनी है और फाइनेंशियल ईयर टैली चेंज करनी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए डेट चेंज करने के लिए आप सिंपली F2 प्रेस करते हैं और यहाँ से जो भी डेट है वो आप डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1/12 पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 1/11/2023 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये डेट चेंज हो गई, ठीक है 1/2023 हो गया। लेकिन अगर ये फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हो तो यहाँ Alt F2 प्रेस करना होता है, ठीक है। और Alt F2 प्रेस करके यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल ईयर आप डालेंगे, जैसे मान लीजिए 1/4/2022 से ले 31/3/2023 कर दिया, तो बस इतना करके करना क्या है आपको, सिंपली एंटर करना है। एंटर कर दिया, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब मान लीजिए फिर कोई फाइनेंशियल ईयर बदलना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए Alt F2 किया, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कर देता हूँ 1/4/2021, अब 21 से लेकर कब तक जाना है, 31/3/2022 जाना है, तो ये 31/3/2022 कर दिया, तो ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, देख सकते हैं ना। अब अगर एंट्री पास करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर मैं 2023 में एंट्री पास करूंगा तो ये नहीं होगा, 1/4/2023 अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो कभी कभी आपके साथ भी ऐसी दिक्कत होती होगी, फाइनेंशियल ईयर कुछ और रखा है और डेट कुछ और डाल रहे हैं, तो ये पहले देख के जान लीजिए, समझ लीजिए कि आप डेट क्या डाल रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का तरीका है कि ईयर आप कैसे चेंज करेंगे। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।